आज बताओ मेरा आज रे मैया, अरे बाबू, अरे हमारे निया है। जो आज ये दुख है और तमाम और आज एक इसी मालती के साथ घटना हुआ है और आने वाले समय में ऐसी कोई एक मालती के आज हुआ है, आने वाले समय में किसी और मालती के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। और देख सकते हैं ये रोने की आवाज़ है, ये चीख है, ये पुकार है जो आज मालती के साथ गलत हुआ है। और ये लोग मालती के सांत्वना देने के लिए और संबल देने के लिए ये लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सभी के आँखों में आंसुओं का सैलाब है, सभी के आँखों में देख सकते हैं आँखें नम है और ये कहीं ना कहीं मालती के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और विष्णुराज यहाँ पर देखने तक नहीं आया और विष्णुराज के घर वाले तक नहीं आए, बॉडी लेने से इनकार कर दिए। तो उनके चाहने वालों ने और यहाँ पर देख सकते हैं और मालती के चाहने वाले लोग हैं और विष्णुराज के घर से कोई नहीं आया, लेकिन उनके फैन, उनके चाहने वाले तमाम लोग हैं। और ये लोग बता रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि मालती को न्याय मैं दिलाऊंगा। अब देखते हैं मालती को न्याय कौन दिलाता है, मालती को न्याय कितने दिनों में मिलेगा, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। आखिर में अभी तक जो 15 से 20 दिन में जो मालती के साथ घटनाएं हो रही थी उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। ये लोग भी अगर खड़े हुए होते, ये लोग जितने ब्लॉगर आए हैं, जितने लोगों का कैमरा दिख रहा है, ये लोग अपनी अपनी कैमरा लेकर मालती का सुलह समझौता कराए होते तो आज मालती का अंतिम दर्शन नहीं करना पड़ा होता। जो अपने अपने वीडियो में मालती के फोटो के साथ माला लगा के दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यही लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग आज व्यू के चक्कर में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग भी दोषी हैं। अगर इतना भी चाहती मालती से, अगर ये लोग मालती को सुलह समझौता करा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ा होता है। जो लोग भी आए हैं ये दुख है। और लास्ट में आपसे कहूँगा, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले समय में किसी भी मालती के साथ ऐसी घटनाएं न हो। जय हिंद, जय भारत।